Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Chalo. Coefficient of elasticity formula is that E is equal to stress upon the strain. Now types. First जो type है ये बेटा बहुत important है हमारे लिए. This is the Young modulus. Young modulus. अगर तुम्हें याद हो ना, तुमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था यूनिट्स ऑफ डायमेंशन वाला, उसके अंदर ये वर्ड्स आते होते थे, डायमेंशन ऑफ द यंग मॉडुलस, डायमेंशन ऑफ द इलास्टिसिटी, स्ट्रेस. तुम मेरे से पूछते होते थे सर स्ट्रेस का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है. ठीक है, तो अलग अलग ये मीनिंग जो आते थे, तो ये इस चैप्टर में कवर होंगे या इससे अगले वाले चैप्टर में कवर होंगे. तो यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करोगे तुम गामा से. इससे रिप्रेजेंट करेंगे. अब इस यंग मॉडुलस फर्स्ट टाइप है ये हमारे किसी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर क्या बोलोगे इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखेंगे किससे, कैपिटल ई से. यंग मॉडुलस, अब यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला बनेगा, कौन सी टाइप का स्ट्रेस लें और कौन से टाइप का स्ट्रेन लें, तो आंसर है यंग मॉडुलस में यूज होगा नॉर्मल स्ट्रेस. अगर यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस यूज हुआ तो डेफिनेटली तो यहां पर स्ट्रेन कैसा आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. गुड. चलिए, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अभी अभी बताया था, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज द एरिया. नाउ देन ऐसे लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय एरिया. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंजेस इन द लेंथ को. तो यहां पर हमने एक वायर ली थी, ये एक वायर है, ओरिजिनल लेंथ कितनी इसकी, एल. ये इसके अंदर डिफॉर्मेशन आया, और डिफॉर्मेशन कितना आया था, ये जो डिफॉर्मेशन था ये कितना था, डेल्टा. तो फॉर्मूला क्या था स्ट्रेन का, डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, तो फॉर्मूला था स्ट्रेन का कितना, मल्टीप्लाई डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, एफ मल्टीप्लाई एरिया इनटू डेल्टा. गॉट दिस पॉइंट. This is the first type of coefficient of elasticity, that is the Young modulus. Young modulus में कौन सा stress है, कौन सा strain है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा. अब मुझे एक बात बताओ, what is the unit of a strain? Stress का तो तुमने बता दिया था. Stress का unit क्या होता है? Stress is the pressure. Pressure का unit तुमने कहा Pascal. Pascal बोल दो या फिर Newton per meter square. क्यों? क्योंकि force upon me area Newton per meter square आएगा. ठीक है, अब बात करते हैं strain. Strain का unit क्या होता है? तो हम कहेंगे दैट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी. क्यों यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फार्मूला होता है डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल शेप. तो डिफॉर्मेशन किस में हुआ, लेंथ में हुआ. डिवाइड भी किससे कर रहे हो, लेंथ से ही कर रहे हो. ठीक है, तो दैट मींस जो स्ट्रेन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो फिर इस इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस का यूनिट क्या रह जाएगा, इसका तो यूनिट है ही नहीं, सिर्फ इसी वाला यूनिट रह जाएगा. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहां पर क्या बनेगा, इसका यूनिट न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ पर? चलिए सेकंड टाइप करते हैं हम। सेकेंड टाइप में दैट इज द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करोगे बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करना है? बीटा से। उसको किससे किया था? गामा से। ठीक है, तो अब करेंगे बीटा से रिप्रेजेंट। बात करते हैं बल्क की कि बल्क में एक्चुअल में होता क्या है। ये तो हमें समझ आ रहा है कि बल्क का मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम ही बल्क में होगा ना। अब वॉल्यूम के अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला इसका जो बनेगा, स्ट्रेस तो इसमें भी कैसा आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन कैसा आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक। बहुत बढ़िया, स्ट्रेन आएगा कैसा? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तुम्हें क्या बताता है? ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कॉम्बिनेशन फ्लूइड्स के लिए बना हुआ है। सॉलिड में वॉल्यूमेट्रिक का काम नहीं होता ज्यादा। अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर राइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस गैस के पास 1000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और मैंने उसका टेम्परेचर करना है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस उस गैस के टेम्परेचर को कब बोलोगे? बता सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस उस गैस के टेम्परेचर को कब बोलोगे? जब उस गैस के 1000 के 1000 मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 50 हो जाएगा, then you can say, अब जो गैस का टेम्परेचर है वो कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो हम अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बोलते हैं कि आज गर्मी बहुत है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो दैट मींस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उस गैसेस के सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे तुमने थर्मामीटर लगा रखा। अगर हम रूम के अंदर आ जाते हैं जहां एसी चल रहा है, उसका जो टेम्परेचर सेट है, हमने उसका टेम्परेचर सेट कर दिया 24, ठीक है, उसका थर्मोस्टेट क्या डिटेक्ट करेगा? उसका थर्मोस्टेट ये डिटेक्ट करेगा कि जब तक रूम के सभी मॉलिक्यूल्स का, सभी गैसेस का टेम्परेचर 24 ना हो जाए तब तक वो कट नहीं होगा, वो ऑन रहेगा। जब सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? वो कट हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? तो डेट मीन वो काम कैसे कर रहा है? वो काम पार्शियली कर रहा है या बल्क में कर रहा है? अब ऐसा नहीं है कि उसने 100 मॉल हमारे रूम के अंदर, फॉर एग्जांपल रूम के अंदर भी 1000 मॉलिक्यूल है, उसने क्या किया 500 मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को तो फटाफट से 24 कर दिया, 500 को भी उसने 45 पे रखा हुआ है। वो ऐसा करेगा कि पहले मैं आधा काम करूँ आधा बाद में कर दूंगा? नहीं, वो जब भी काम करेगा बल्क में करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बल्क का मतलब समझ आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा काम नहीं करना, जब भी काम करना है बल्क में। जैसे हमने एयर फिल करी अपने, मान लो व्हीकल के टायर में, गाड़ी के टायर में हमने हवा भर दी है, हमने हवा भर दी है, ऐसा तो नहीं है हवा हमने थोड़ी सी भरनी है, लेकिन थोड़ी सी हवा को हम कहेंगे तुम टायर, ये टायर है, दिस इज द टायर, हमें हवा ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हवा को बस नीचे नीचे भर देते हैं, बाकी टायर में वो फैलेगी नहीं, ऐसा हो सकता है? हम थोड़ी सी भी अगर एयर फिल करेंगे तो पूरे टायर में स्प्रेड हो जाएगी। क्यों? वो किस पे काम करेगी? बल्क। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बल्क का मतलब है जब भी काम हो रहे तो किस पे हो रहा है? पूरे की पूरी वॉल्यूम पे हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन आ जाता है? याद रहेगा आपको, ठीक है, यंग मॉडुलस में कौन सा स्ट्रेन लेना है? लॉन्गिट्यूडनल। और बल्क में कौन सा लेना है? वॉल्यूमेट्रिक। स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। अब हम कहें स्ट्रेस क्यों चेंज नहीं होगा? अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पास बैलून है, तुमने बैलून के ऊपर एक स्ट्रेस लगाया तो उसके अंदर बल्क में चेंज आएगा, उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, ठीक है, या तुमने उसके अंदर एयर फिल कर दी तब भी उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो जो भी काम तुम कर रहे हो बल्क में कर रहे हो, लेकिन एयर फिल कर रहे हो या उसके ऊपर से स्ट्रेस लगा रहे हो, तो तुम उसके ऊपर कैसा स्ट्रेस कर रहे हो? नॉर्मल। टेंजेंशियल नहीं कर रहे। टेंजेंशियल से तो क्या हो जाता है? एंगल चेंज हो जाता है, वो नेक्स्ट टाइम। तो सेकंड टाइप समझ आ गई, ठीक है। सेकंड टाइप की हम एक बार फॉर्मूला बना देते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा नॉर्मल स्ट्रेस का? ये तो फोर्स अपॉन में एरिया ऐसे ही जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक, फॉर एग्जांपल ये रहा, ये कोई एक बैलून है, उसकी पहले वॉल्यूम वी थी, हमने उसके अंदर एयर फिल करके उसकी डेल्टा वी वॉल्यूम बढ़ा दी, तो डिफॉर्मेशन कितना आया? डेल्टा वी। डिफॉर्मेशन आया डेल्टा वी, ओरिजिनल शेप क्या थी? ओरिजिनल वॉल्यूम थी वी।
तो 10 मीन्स द मल्टीप्लाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, वी ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा, ये भी क्लियर हो गया? Yes, कोई डाउट? No, तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आई मीन टू से कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी उसकी दो टाइप्स हमने कर ली, पहले थी यंग मॉडुलस और वेबर मॉडुलस, लास्ट आता है जो थर्ड टाइप है। अच्छा इसका यूनिट बताओ चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। अब भी वॉल्यूम को वॉल्यूम में डिवाइड किया, देख सकते हो तुम यहाँ पर वॉल्यूम को वॉल्यूम में डिवाइड किया, ठीक है यूनिट नहीं है इसका। चलिए थर्ड टाइप भी आते हैं, ये थर्ड टाइप खत्म होते ही अपनी नोटबुक्स ओपन करना, ग्राफ करेंगे फटाफट से, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप है हमारी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को वो करेंगे कैपिटल जी से, इससे क्या रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से। अब इसका जो फॉर्मूला हम बनाएंगे कैपिटल जी का है तो ये भी क्या इलास्टिसिटी, मतलब फॉर्मूला कौन सा रखोगे स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, लेकिन इसको किससे लिखोगे कैपिटल जी से लिखोगे, तो स्ट्रेस आएगा इसके अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अंदर स्ट्रेस जो आएगा वो आएगा टेंशन। अगर टेंशन स्ट्रेस आ रहा है तो डेट मीन स्ट्रेन कौन सा होगा शियरिंग स्ट्रेन, गुड कौन सा स्ट्रेन होगा शियरिंग स्ट्रेन, क्लियर है ये पॉइंट टेंशन स्ट्रेस एंड देन शियरिंग स्ट्रेन। फॉर्मूला बनाइएगा इसका एक बार, इसके फॉर्मूले के लिए हम यहां पर एक फिगर बना लेते हैं, ये स्क्वायर है मान लो, फॉर एग्जांपल दैट इज अ स्क्वायर या क्यूब है कुछ भी मान लो, मतलब ये वाले दोनों रहे सेम है, ठीक है मैंने यहां से इसके ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाना है सरफेस पे ऐसे, यही लगेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्यों एंगल कितना रखा जाएगा उसमें 0 डिग्री, टेंजेंशियल मतलब 0 डिग्री के एंगल बेस पे मैंने स्ट्रेस लगाया, ये थोड़ा सा टिल्ट होगा ऐसे आगे की तरफ होगा, ये वाली लेंथ इधर आ गई, ऐसे टिल्ट हो गया, कितने एंगल पे टिल्ट हो गया फॉर एग्जांपल थीटा ये आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितनी हो गई इसकी x, ये अगर लेंथ l थी तो क्या ये लेंथ चेंज हो जाएगी l ही रहेगी अभी, तो अगर मुझे यहाँ पर डिफॉर्मेशन चेक करना अपना एंगल थीटा निकालना है क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है थीटा निकालना, शेयरिंग स्ट्रेन को तुम ऐसे भी बोल सकते हो डिफॉर्मिंग एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कर लेते हैं डिफॉर्मिंग एंगल, हम शेयरिंग स्ट्रेन को क्या बोल देते हैं डिफॉर्मिंग एंगल, कि कितने एंगल से वो डिफॉर्म होना वो एंगल बताओ, तो टेंशन स्ट्रेस का फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा फोर्स अपॉन में एरिया, लेकिन अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे डिफॉर्मिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना, तो एंगल बताओ यहां से कितना है और तुमने ये कुछ पढ़ा होगा ऐसा कि एक सर्कल है ये रेडियस आर है ये भी रेडियस आर है ये एंगल थीटा है ये एक्स है तो थीटा कितना होता है कौन सी क्लास पढ़ाऊंगा तुम्हें प्लस वन या एट दैट इज अबाउट एंगल का फॉर्मूला बताइए आर का बॉन में रेडियस आर का बॉन में रेडियस थीटा इज व्हाट एंगल क्या होगा r अपॉन में रेडियस बताना कितना रेडियस है और क्या आर्क है इसके अकॉर्डिंग में x डिस्टेंस अराउंड और l लेंथ है ये भी l है ये भी l है l l है ठीक है x डिस्टेंस कवर किया था एंगल बीच में कितना क्रिएट हो गया थीटा तो थीटा निकालने का फार्मूला क्या r अपॉन में रेडियस r कितनी है x डिवाइडेड बाय l तो यहां पर क्या आएगा समझ आएंगे तो थीटा की जगह पे क्या लिखोगे r अपॉन में रेडियस l ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हटा के कहाँ लिख देंगे इसको क्लियर है yes. तो जब हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो वहां पर कहीं कहीं पे हमें टेंजेंट थीटा भी यूज करना पड़ सकता है उस टाइम पे देखेंगे गॉट दिस पॉइंट चलिए ये था हमारा क्या टाइप्स ऑफ
इलास्टिक सिटी। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो आता है ग्राफ, तो फटाफट से लिखिए।